एक प्रेस वार्ता कर पिछले वर्ष राजधानी पटना में हुए जल जमाव को लेकर नीतीश सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पटना में नगर निगम नहीं नरक निगम है, जिसमें कर्मचारियों और पदाधिकारियों को काम करना मुश्किल है। पटना नगर निगम में काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। अनुपम कुमार ने बिहार सरकार की बनाई गई व्यवस्था पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ की जो भी योजनाएं बनती हैं उसे क्रियान्वयन करने में कठिनाइयां होती हैं। मुझे जानबूझकर बदनाम करने की साजिश की गई थी, जल जमाव के नाम पर मुझे नाकारा साबित करने की कोशिश की गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ड्रेनेज साफ नहीं थी तो पानी कैसे निकल गया। वार्ड पार्षद हो, विधायक हो या मंत्री, तकनीकी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ काम करने की व्यवस्था अलग किस्म की है। पेड़ लगाने की बात आएगी तो वन विभाग आ जाएगा, या फिर नाला बनाने की बात आएगी तो पथ निर्माण बीच में आ जाएगा। इन तमाम समस्याओं के बीच नगर निगम को जूझना पड़ता है, जिससे काम में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जहाँ तक हमें मसूरी में ट्रेनिंग दिया गया था और नागपुर में ट्रेनिंग दिया गया था, तो हमें ये बताया गया था कि सरकार में संवाद का मतलब पत्राचार हो। ये कब से व्हाट्सएप कॉल में कन्वर्ट हो गया है वो मुझे पता नहीं, बट ठीक है, ये सारी बातें इसमें कही गई है। उसी पर औपचारिक रूप से जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ एज ए पूर्व सिविल सर्वेंट, जवाब मैं किसी को ओ नहीं करता हूँ। मैं इसमें मेरा इसमें एक व्यक्तिगत कारण है, किसी को मैं यहाँ जवाब ओ नहीं करता हूँ। लेकिन एक पृष्ठभूमि देना चाहूँगा कि मैं सिविल सेवा में मेरी आने की कोई इच्छा नहीं थी, एक बहुत ही पारिवारिक निजी कारण था। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी दादी ने मेरा लालन पालन किया बहुत संघर्ष के साथ, एक आम बिहारी परिवार के संघर्ष के साथ, और उन दो महिलाओं की बड़ी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं। मैंने तैयारी की, मैंने परीक्षा पास की, मैं सिविल सर्वेंट बना वर्ष 2004 में, लेकिन इसी शर्त के साथ मैं बना था कि जिस दिन आप लोग इस जीवन में नहीं रहेंगे उस दिन मैं इस सेवा में बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि डे वन से मुझे पता था कि नौकरशाही में अंततः यही होता है। अगर आप नौकरशाही में आकर के अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, अगर पैसा कमाने का धंधा नहीं चलाते हैं, अगर आप वो जीरो सम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो नौकरशाही में अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो सभी के साथ अंत में यही होगा। उसका सबसे बड़ा फल जो है, सबसे बड़ा फायदा आपको यही होता है। तो ये मुझे पता ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं जैसा मैंने कहा, मैं किसी को जवाब वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरी दादी की मृत आत्मा है उनके लिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले, उनको भी पता चले। तो जल जमाव की जो औपचारिक आरोप है, तो जैसा मैंने स्पष्ट कहा, तदेन नगर आयुक्त, तात्कालिक नगर आयुक्त, ये पूरा नोमेनक्लेचर ही गलत है। मैं वहाँ था ही नहीं, मैं 22 अगस्त को ही वहाँ से चला गया था, और सबको पता है कि अगर मैं वहाँ होता या पटना नगर निगम, और जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना सेवा छोड़ा, तो वही पर वर्ष 2019 में अगस्त में 22 अगस्त को मेरी नौकरी समाप्त हुई, और मेरी प्रतिनियुक्ति भी 23 अगस्त को यहाँ पर समाप्त हुई। और उसी के संबंध में बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ, और यह मुझे लगता है कि ये लॉन्ग ड्यू था, क्योंकि विगत एक वर्ष में मुझसे संबंधित, पटना नगर निगम से संबंधित, पिछले वर्ष के पटना के तथाकथित जल जमाव से संबंधित बहुत सारे बातें की गई। सामान्यतः मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ और टेलीविज़न भी नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे घर में भी परिवार हैं और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, और बहुत सारी बातें कही गई। मैं उन सब बातों पर बारी बारी से आऊँगा, लेकिन मैं बहुत औपचारिक किस्म का व्यक्ति हूँ, और जब तक मुझे कोई औपचारिक सूचना नहीं मिलती तो मेरे लिए भी उचित नहीं था कि मैं उन प्रश्नों पर जवाब दूँ। आप में से बहुत सारे मित्र, बहुत सारे बंधु, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं जवाब देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मैंने यही कहा कि मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं मीडिया की खबर पर मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में नहीं था। तो अंततः मैं बाहर था पटना से, मैं आया हूँ, तो कल या परसों मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ है, एक औपचारिक पत्र की मुझे प्राप्ति हुई है, जो मेरे पैतृक विभाग से, दिल्ली से आया है। मैं भारतीय राजस्व सेवा का पदाधिकारी रहा हूँ, तो उसी सेवा से मैं यहाँ प्रतिनियुक्ति पर था, और अंततः मुझे एक औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें भारत सरकार का भी पत्र है, जिसमें बिहार सरकार का भी पत्र है, और वह
प्रतिवेदन वह रिपोर्ट भी लगाई गई है पटना जल जमाव से संबंधित, जो एक शायद एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी की एक आधी अधूरी रिपोर्ट है वो भी इसके साथ लगाई गई है और उसको भी मेंशन किया गया है और उसमें उससे स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जो कि मैं दूंगा नहीं क्योंकि अब मैं नौकरी में हूँ भी नहीं और ये प्रेस वार्ता खत्म होगी तो इसको मैं शायद कहीं डस्टबिन में भी जाकर डाल दूंगा। तो लेकिन इसके इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो चूँकि मीडिया में आ गई है सार्वजनिक जीवन में, इसमें क्रमबद्ध तरीके से चलता हूँ और बहुत विशिष्ट किस्म का पत्र है। आप लोग नौकरशाही से दो चार होते रहे हैं तो उसमें यह कहा गया है, बिहार सरकार का पत्र है भारत सरकार को, जिसमें मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको बिंदुवार लिखा गया है। आप लोग की सुविधा के लिए मैं उसको दोहरा देता हूँ ताकि उसके उत्तर को भी समझने में आप लोगों को आसानी होगी कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के अनुलग्नक के अध्याय 2, 3, 4 एवं 5 में विगत वर्ष पटना शहर में हुए भारी जल जमाव की स्थिति और जल निकासी आदि के लिए निगमायुक्त पटना नगर निगम के दायित्व आदि को स्पष्ट करते हुए अनुलग्नक के अध्याय 6 के पृष्ठ 51 पर श्री अनुपम कुमार सुमन तदेन नगर आयुक्त, तदेन में नहीं था जिस समय जल जमाव हुआ, उससे 1.5 महीने पहले मैं निकल चुका था लेकिन शायद समझ में कुछ कमी रही होगी सरकार में, तदेन नगर आयुक्त पटना नगर निगम की नेतृत्व विफलता और आलोच्य दायित्वों के निर्वहन में उनसे हुई चूक को सारांशतः निम्नवत स्पष्ट किया गया है। 1, श्री सुमन और विभिन्न साझेदारों के बीच संवादहीनता की स्थिति थी। 2, नाला सफाई कार्य में पर्यवेक्षण का अभाव था। 3, पटना नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी का मूल दायित्व पटना नगर निगम का होते हुए भी जल निकासी के लिए उन्होंने हुडको से समुचित समन्वय स्थापित नहीं किया। 4, उनके द्वारा मानसून पूर्व अग्रिम तैयारी नहीं की गई थी। यह पत्र भेजा गया है भारत सरकार को ताकि उस पर मेरा स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। उसके साथ एक पत्र संलग्न किया गया है नगर विकास एवं आवास विभाग का, जो कि बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग को लिखा गया है उस पर कार्रवाई से संबंध में। उसका जो महत्वपूर्ण अंश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रेस वार्ता का आधार वही होगा कि अतएव ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से निर्णय लेने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संचिका संख्या 1 स्थापना आरोप है। और मेरे जीवन का एक बड़ा लेसन है उस पर मैं बात करूंगा। अब इसके साथ वो प्रतिवेदन संलग्न किया गया है जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई निश्चित की गई है। प्रतिवेदन की कॉपी आप लोगों को मिली ही होगी। पटना जल जमाव का मुद्दा बड़ा भारी मुद्दा था और उसमें पृष्ठ संख्या 51 पे लिखा गया है, श्री अनुपम कुमार सुमन तत्कालीन नगर आयुक्त पटना नगर निगम 24/8/2019 तक पदस्थापित। मजेदार बात है क्योंकि बाढ़ जो है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में आई थी। 24/8/2019 तक पदस्थापित की भूमिका, पटना नगर निगम नगर विकास विभाग के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों से वार्ता के क्रम में यह महसूस किया गया कि तात्कालिक नगर आयुक्त, अगेन मैं तात्कालिक नहीं था, तात्कालिक नगर आयुक्त श्री अनुपम कुमार सुमन की विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ संवादहीनता की स्थिति थी। जहां एक ओर नाली सफाई कार्य में पर्यवेक्षण का अभाव था वहीं दूसरी ओर उन्होंने हुडको से समुचित समन्वय नहीं किया। हुडको संघ हाउस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है परंतु नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी का मूल दायित्व नगर निगम का, इसके लिए मानसून के पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम तैयारी करनी चाहिए थी। स्पष्टतः श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता, इस पर मैं विशेष रूप से बात करूंगा, श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है तथा इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं किया गया। इसमें एक बहुत मजेदार लाइन भी लिखा गया है उसको मैं संदर्भ पे बता दूं। पटना नगर निगम के संयुक्त आदेश संख्या 8/1/3/8 दिनांक 25/6/2019 द्वारा जल जमाव प्रबंधन के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों पर इस प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर जिम्मेदारी का निर्धारण वर्तमान नगर आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक गुटको से करने की अपेक्षा की जाती है। यह वही आदेश है जो कि हर साल निकलता है जून महीने में पटना नगर निगम के निगम आयुक्त और गुटको के प्रबंध निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से, जिसमें डेली मॉनिटरिंग और डेली पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी रहती है। एक एक कर्मियों की पंप चालक से लेकर के सभी इंजीनियर तक की नियुक्ति की जाती है और उसके बावजूद भी यह लिखा गया है कि इस संबंध में संवादहीनता